क्या बची थी यार बैठी हुई है। इजी हो जाए, बड़ा टाइम है आज मेरे पास। अरे बेटा जब बताया कि सुबह जा रहा है जल्दी तो जल्दी उठे। अब्बा आपको क्या हो गया आज? अब्बा जी चाय। मेहरबानी जी। और तू बैठी रहे, तेरे लिए टिफिन लेकर आ रही हूं मैं। और पुत्र वो सलीम को भी देखो, उसे को जल्दी उठो, देर ना हो जाए बच्ची को। इजी हो जाए सेट हूं। आ गया अब्बा जी। ओ बेटा क्या कर रहे हो, लेट हो जाओगे। ये पकड़ो बैग, रख से रखो मेरा। नहीं 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 आप मेरा बैग नहीं उठाएंगे। कोई बात नहीं मैं उठा लूंगा। नहीं दिस इज रॉन्ग यार, दिस इज रॉन्ग। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ, कोई गैर हूँ? अरे बेटा तुम्हारा अपना घर है, क्या कर रही हो? अगर मेरा अपना घर है तो फिर मुझे अपने काम भी खुद करने देना। पुत्र सारी जिंदगी पड़ी है काम करने को, जब तक तू अपना घर। मैं आप लोगों को इस बात का खुलासा समझाती हूँ। देखिए हम सब इस घर में रहते हैं फैमिली मेंबर्स की तरह। हर फैमिली मेंबर को अपना काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बंदे के ऊपर हर किस्म का लोड नहीं डालना चाहिए। आप जैसे किचन में जाती हैं, आप काम करती हैं, हमारे खाना बनाती हैं, उसी तरह मैं आपके साथ ये काम करूंगी। क्यों ना, क्योंकि मैं भी इस घर का एक मेंबर हूँ। उसी तरह आप हमारे लिए सब्जियां काटते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, इस तरह मैं भी आप सबके लिए सब्जियां काटूंगी। और जैसे आप भी कुछ करते होंगे तो मैं भी कुछ कर लूंगी। इसीलिए बेहतर है कि हम एक दूसरे का हाथ बटाएं। और नाना प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अगले बंदे को बेकार करते हैं और कुछ ना करने दें। अंडरस्टैंडिंग एक फैमिली में बहुत अहम है। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है उतना ही आसान होता है, ना मसले होते हैं ना ही गिले शिकवे। तो सारे अंडरस्टैंडिंग करनी है। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। पूरी नाला है ये। ओके थैंक यू, बाय बाय, खुदा हाफिज़। जी उसी रहो मेरा पुत्र, अल्लाह रहमत, अल्लाह खैर दे, अल्लाह परवरदिगार करम करे। वैसे जो मजा काके के पियो के हाथ में था ना, इसके हाथ में वो बात नहीं। नहीं नहीं अब्बा जी, मजे के बनाए इसने। मजे के हैं ठीक है, मगर जब इसका बाप देख पकाता था ना, वो लोग देख के चाट जाते थे, अंदर घुस जाते थे देख के, ऐसा खाना पकाता था। हा 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 हा, मैंने खुद देख दबा एक बंदा टांगों से पकड़ के देख में से निकाला। वो जरा इस्लामाबाद में भी लोग हलवे के ऊपर शोरबा डालते हैं। आपकी सोच है मामू, ये मीठा नमकीन का जो कॉम्बो है ना, नेक्स्ट लेवल है। इसकी माँ भी ऐसे ही खाती थी। वाकई मम्मी ऐसे खाना खाती थी? वो बेचारे राजू को भी कुछ खाना दे आए जाकर। वो उसे छोड़ दो, वो देखो जी मिर्जे को मंदा ही जख्मी कर दिया हमारा। और मिर्जे को चावल भिजवाए दबा करें अब्बा जी उसको। बात सुने, ये राजू को चावल ऊपर देकर आए। मैं दे आती हूँ, तुम जाओगी? हाँ मैंने खा लिया है, चल से ठीक है। जारा को ना कल निहारी खिलाते हैं, बड़ा टाइम हो गया निहारी नहीं बनी घर पे। निहारी ले, निहारी तो भाभी बड़ी अच्छी बनाती है ना। कल ऐसा करते हैं निहारी बना लेते हैं और साथ उसके कर दें। अभी एक डिश खत्म हुई नहीं है, दूसरी की बातें शुरू हो गई हैं। इस घर में कोई और टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो सकती? ओ पुत्र जी, रब ने जब दिया हुआ तो फिर खाओ पियो। नहीं अब मतलब अगर पैसे आ गए तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि लिटरली पैसे ही खाने के आ गए। अब मैं तो सोचती हूँ कि पैसे आए तो इस घर पे काम करते हैं, इतनी मरम्मत होने वाली है भी इस घर की चीजों पे। फिर दानिश छोटा है, बड़ा हो रहा है, वो कहेगा उसको अपना रूम चाहिए, उसको स्पेस चाहिए, किताबें वगैरह रखनी होगी। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ कि हम कोई बिजनेस के बारे में सोचें, इन्वेस्ट करें बिजनेस में और फिर हम उसको पैसे को डबल करने का सोचें। ये मेरी इस घर में कोई बात क्यों नहीं सुनता? ओ पुत्र जी जुड़ रहे हैं हम, कौन सा कानों में चावल डाल रहे हैं? तो फिर मुझे कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि बेटा आपने सुबह खुद ही कहा था मुझे इस घर का फर्ज समझे, अब खुश हो? पूर्ण आराम है। नहीं यार देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।